भाजपा विरोधकांच्या आघाडीची बंगळुरू मध्ये बैठक होती आहे। भाजपा विरोधी आघाडीचं नाव आता इंडिया असं आहे। विरोधी पक्ष एकत्र येऊन भाजप विरोधात रणनीती आखतायत आणि त्याच वेळेस भाजपने देखील इंडियाच्या एकजुटीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत। दिल्लीत आज आपण बघतोय की मित्र भाजपच्या मित्र पक्षांची ही बैठक बोलावलेली आहे। भाजप विरोधी आघाडीचं नाव हे इंडिया असं आहे। तर इंडियाच्या बैठकीत 38 पक्ष सहभागी होणार असल्याचा दावा भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी केलेला आहे। दोन बैठका आज महत्त्वाच्या झालेल्या आहेत। एक तर विरोधी पक्षाची बैठक इंडिया असं विरोधी पक्षाचं आता नाव एकंदरीतच अलायन्स झालेलं आहे, तर एनडीएची देखील एक महत्त्वाची बैठक दिल्लीत होती आहे। इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स मतलब इंडिया देहापासून आराम करा। आराम काका नम्मा होमिओपॅथी मध्ये याला उपाय आहे। नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। इंडिया जीतेगा भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है, तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे जिंकू।